राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में आई बुरी खबर, 700 पार पहुंचे मरीज, कई जिलों की हालत गंभीर। क्या कुछ खबर आई हुई है आज हरियाणा से और कितने मरीज हो चुके हैं? डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताने वाला हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो लाइक नहीं के तभी कर दे, एजुकेशन नॉलेज टीवी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में 700 पार पहुंचा कोरोना। भिवानी में एक ही परिवार के तीन संक्रमित मिले हैं, पंचकुला में दो और फरीदाबाद पत्रकार का भाई भी पॉजिटिव मिला है। यानी कि पत्रकार का जो एक भाई था वो भी पॉजिटिव मिला है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचकुला में ट्रक ड्राइवरों के रैंडम टेस्ट में एक ट्रक ड्राइवर पॉजिटिव मिला है। फरीदाबाद में कोरोना की वजह से तीसरी मौत, प्रदेश में 10 की मौत हो चुकी है अभी फिलहाल तक। ठीक है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 705 पहुँच गई है। रविवार को भिवानी में तीन, पंचकुला में दो, रोहतक में दो, फरीदाबाद में एक, पलवल में एक, कैथल में एक, महेंद्रगढ़ में एक केस मिला है। भिवानी में एक ही परिवार के तीन संक्रमित भी मिले हैं, जबकि रोहतक में स्वीपर और एक नई दिल्ली पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। पंचकुला में दो मरीज सामने आए हैं। यहाँ एक ट्रक ड्राइवर और एक फॉर्मा कंपनी के काम करने वाला कर्मचारी पॉजिटिव मिला है, जबकि फरीदाबाद में एक पत्रकार का भाई भी पॉजिटिव मिला है। हरियाणा में रविवार की एक मरीज की अस्पताल से छुट्टी भी हुई है, अतः कुल 300 मरीज ठीक हो चुके हैं। आंकड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में 705 पहुँचा पॉजिटिव का आंकड़ा। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम 142, सोनीपत में 100, फरीदाबाद में 96, झज्जर में 74, नूह में 59, अम्बाड़ा में 41, पलवल में 37, पानीपत में 36, पंचकुला में 22, जींद में 17, करनाल में 14, यमुनानगर में 8, सिरसा में 7, फतेहाबाद में 7, भिवानी और रोहतक में 6, महेंद्रगढ़ में 5, हिसार में 4, कैथल और रेवाड़ी में 3-3, कुरुक्षेत्र चरखी दादरी में 2-2 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में 14 इटली के नागरिकों को भी भर्ती करवाया गया था, जिन्हें हरियाणा में अपनी सूची में जोड़ा है। प्रदेश में कुल 300 मरीज ठीक हो चुके हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ठीक हुए हैं मरीज।